हेलो बच्चों, इस पार्ट में हम 17 से आगे करेंगे। 16 तक हम कर चुके हैं, 17 से आगे देखो। ठीक है, देखो बेटा, इस बार हमें क्या रखा है, ये फंक्शन रखा है, ध्यान से देखना। एक्स कोस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स, ठीक है, ये एक फंक्शन है। ये कब है, जब एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, जब एक्स पाई बाई टू के इक्वल ना हो तो। और थ्री कब है, जब एक्स इक्वल टू पाई बाई टू हो। ठीक है, तो कहता है एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू के ऊपर क्या रखा है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस है। यहाँ पर एक्स नहीं है, के था, यहाँ पे के कोस एक्स, ये क्या था फंक्शन, पाई बाई टू पर क्या, फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्या कहता है, के इक्वल निकालो। तो ये 16 जैसा ही है ना, फंक्शन कंटिन्यूस रखा है पाई बाई टू के ऊपर, क्या करना हमें, फंक्शन के इक्वल निकालनी है। ठीक है, फंक्शन अगर के ऊपर ना, सॉरी, पाई बाई टू पे कंटिन्यूस है तो क्या होगा, पाई बाई टू के ऊपर लेफ्ट लिमिट फंक्शन की, राइट लिमिट और इसकी फंक्शन की वैल्यू पाई बाई टू पे, सब बराबर होंगे नहीं होंगे। पाई बाई टू पे दे तो रखे फंक्शन की वैल्यू 3, तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ लेफ्ट लिमिट निकाल दो, उसको 3 की इक्वल कर देंगे अपने आप, के वैल्यू आएगी, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू के ऊपर चेक करना, तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू से कम हो तो, फिर जब एक्स पाई बाई टू के इक्वल ना हो, इक्वल नहीं हो तो क्या होगा, कम या ज़्यादा होगा, तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व करना है। अब इसमें सोल्व करने का और कोई तो तरीका तो है नहीं, क्योंकि फैक्टर तो बनेंगे नहीं, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे तो फिर दूसरा तरीका क्या होता है, फैक्टर नहीं बनते तो सब्सटीट्यूशन मेथड, तो सब्सटीट्यूशन मेथड लगाओ, क्योंकि इसमें जब लिमिट रखोगे ना आप, तो 0/0 बनेगा, ऊपर भी 0 बनेगा और नीचे भी 0 बनेगा, तो मतलब इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के दो तरीके होते हैं लिमिट को, एक तो फैक्टराइजेशन, एक क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। तो फैक्टर तो बढ़ेंगे नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे इसमें। अब हमारे लिए मजबूरी हो गया सब्स्टिट्यूशन लगाना, तो पाई बाय टू माइनस एच, ठीक है, कर दो स्टार्ट। एज एक्स की वैल्यू क्या होगी, बताओ, पाई बाय टू माइनस एच की लिमिट क्या होगी, 0+। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे, ठीक है, रखो के कोस, जहाँ एक्स वहाँ क्या होगा, पाई बाय टू माइनस एच, जहाँ पर भी एक्स वहाँ क्या रखेंगे, पाई बाय टू माइनस एच। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। देखो चलो यहाँ करता हूँ मैं, देखो क्या बन गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0+ के कोस पाई बाय टू, पाई बाय टू यहाँ होता है, इसमें हम घटा रहे हैं, चेंज होगा, बिल्कुल खंबे से कह रहे हैं, चेंज होगा। तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में, तो ये क्या होगा, साइन है जाएगा, कहाँ गिर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा, यानी इसका आंसर प्लस साइन एच जाएगा। अब क्या होगा, पाई माइनस, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, माइनस का पाई प्लस टू एच, ठीक है, ये और कट जाएगा, क्या बताए, यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0+ के साइन एच अपॉन टू एच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एच अपॉन एच का जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा, क्या होगा आंसर, के बाई टू आएगा, क्या आएगा, के बाई टू। ठीक है, अब देखो लेफ्ट लिमिट कितनी है, के बाई टू, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू कितनी, पाई बाई टू पे 3, तो लिखना बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, सॉरी पहले क्या लिखोगे, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू के ऊपर, सो क्या लिखोगे, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और इज इक्वल टू एफ पाई बाई टू। तो बेटा देखो लेफ्ट लिमिट कितनी आई है, लेफ्ट लिमिट आई अपने के अपॉन टू, राइट लिमिट नहीं निकाली हमने, लेकिन एफ पाई बाई टू पता है हमें, पाई बाई टू पे वैल्यू कितनी, 3, ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, तो के वैल्यू क्या हो गया, 3 × 2 6, 6 इज द आंसर, लो तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा 17वें का पहला पार्ट इजली कर लोगे। अब मैं कराता हूँ आपको 17वें का सेकेंड पार्ट, ये पेज नंबर 11वां था। ठीक है, अब करते हैं पेज नंबर 12वां, देखो सेकेंड पार्ट कर लोगे वो आराम से कर लोगे, छोटा सा सवाल हो तो। ठीक है, मैं आपको क्या करा रहा हूँ, अब थर्ड पार्ट देखो। ठीक है, फंक्शन क्या अपने पास, रूट ऑफ 1+ के एक्स माइनस रूट ऑफ 1- के एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये कब है, जब एक्स, सॉरी,
माइनस वन से बड़ा हो एक्स बट जीरो से छोटा हो, माइनस वन के इक्वल भी दे रखा हमें। अच्छा जी, और क्या दे रखा हमें, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ये कब है, जब एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू वन, ये दे रखा फंक्शन। ठीक है, जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी, जीरो के ऊपर ये आया हुआ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, देखो नंबर लाइन ले ले, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे क्या आता है वन आता है, नंबर लाइन पे जीरो पहले आएगा, वन बाद में जो छोटा वो। अच्छा एक माइनस वन भी है, चलो ये माइनस वन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, अब तो ये क्या क्या कहता है, जब एक्स की वैल्यू माइनस वन से ज़्यादा हो, इक्वल भी हो माइनस वन के और जीरो से कम हो, तो माइनस वन के इक्वल तो इसको डार्क कर देंगे, इससे बड़ी बट जीरो से छोटी। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू इसके बीच में लोगे आप, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ वन प्लस के एक्स माइनस वन माइनस के एक्स का रूट अपॉन एक्स, ये फंक्शन है। बट एक्स क्या लोगे, जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो भी शामिल हो जाएगा, जीरो से बड़ा लोगे बट वन से कम लोगे या वन के इक्वल लोगे, तो इसमें फंक्शन क्या होगा, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ये हमें दे रखा फंक्शन। ठीक है, तो क्या करना है, कहता है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, क्या करनी है इसकी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस तो दे रखा हमें फंक्शन, कंटिन्यू दे रखा, के क्यों निकालनी है, तो तुम क्या करोगे, इस पहले जीरो पे लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, पहले जीरो माइनस ये रहा, जब जीरो से कम हो ये रहा, एक्स जब जीरो से कम है तो फंक्शन क्या होगा, ये लेंगे ना, तो रूट ऑफ के एक्स माइनस रूट ऑफ वन माइनस के एक्स अपॉन एक्स, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, लो इसी से गुणा और इसी से भाग कर देंगे। ठीक है, कर दो स्टार्ट, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लो इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ वो लगाया फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अपॉन एक्स, और यहाँ पे ये एच रीज। ठीक है बेटा, ये लो करो सॉल्व, वन से वन कट जाएगा, ये प्लस के एक्स और के एक्स की जगह टू के एक्स, लिमिट लगाओ एक्स टेंड टू जीरो, लिमिट जब तक लिखनी जब तक कि आप लिमिट पुट ना करो तब तक, ये चीज। ठीक है, अब देखो बेटा एक्स एक्स कट देगा, एक्स कटते जीरो बाय जीरो फॉर्म खत्म हो गई, अब इसमें जहाँ एक्स रखेंगे के ना, जहाँ एक्स रखेंगे जीरो तो ऊपर तक टू के आएगा, नीचे का वन प्लस यहाँ रखेंगे जीरो तो जीरो, यहाँ का वन माइनस जीरो, टू के अपॉन वन का रूट वन, ये वन और वन क्या टू आएगा, टू से टू कर देगा, के आ गया। ठीक है, क्या आ गया के, लेफ्ट लिमिट आई के, अब क्या करेंगे बताओ, देखो यहाँ पे राइट लिमिट निकाल देंगे, वन प्लस वन से बड़ा हो गया, जब एक्स वन से बड़ा हो तो फंक्शन क्या लेंगे, यहाँ पे टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू, ये लेंगे फंक्शन। अब इसको करो सॉल्व, तुम देख रहे हो यहाँ पे जब एक्स की जगह जीरो रखेंगे ना तो जीरो बटा जीरो फॉर्म नहीं बन रही है, जब जीरो बटा जीरो फॉर्म में ना बने तो भी क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, तो जहाँ एक्स वन रखेंगे जीरो, जहाँ पर एक्स वन रखेंगे जीरो तो क्या होगा, वन आएगा ऊपर तो नीचे आएगा माइनस टू। अब लिखो, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन सॉरी जीरो पे, सो क्या लिखो, सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट बराबर होगी, लेफ्ट लिमिट तो के है, राइट लिमिट कितनी है माइनस वन बाय टू है, तो क्या होगा आंसर, के की वैल्यू माइनस वन बाय टू हो जाएगी। ठीक है, यह है आपका 17वें का थर्ड पार्ट, अब आता है 17th का फोर्थ पार्ट, तो अगले पेज पर आते हैं आपको, पेज नंबर 13। ठीक है, देखो सत्रहवें का लास्ट पार्ट करा रहा हूँ मैं आपको, फोर्थ पार्ट। ठीक है, तीन मैंने करा दिए, एक आप करके देखना, इजी वाला आपके लिए छोड़ दिया मैंने, सारे टफ में करा देता हूँ। थ्री साइन एक्स प्लस कोस एक्स, रूट थ्री साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन के यहाँ पे एक्स प्लस पाई बाई सिक्स। ठीक है, ये कब है, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स, जब ये माइनस पाई बाई सिक्स पे ना हो तो, और ये क्या है, जब एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स होगा उस टाइम फंक्शन की वैल्यू क्या, के। ठीक है, ये दो अमित रखे फंक्शन, क्या कहता है, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाई सिक्स पे बताओ
ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस है, सॉरी कंटिन्यूस तो दे रखा है माइनस पाई बाई सिक्स पे, के लिए निकालनी है। तो देखो माइनस पाई बाई सिक्स पे तो के दे रखा है, सिर्फ हमें लेफ्ट लिमिट निकालनी पड़ेगी, उसी से के लिए हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट की लिमिट, ठीक है लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस पाई बाई सिक्स के ऊपर क्या लगा हुआ माइनस, और फंक्शन तो हमें ये लेना पड़ेगा रूट थ्री एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसमें जब ये रखोगे माइनस पाई बाई सिक्स रखोगे तो ऊपर नीचे जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगी, ये फॉर्म बनेगी ऊपर जीरो नीचे जीरो, तो इसलिए हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बोलो सॉल्व करना पड़ेगा, और फैक्टराइजेशन लगाओ या फिर सब्स्टिट्यूशन लगाओ, फैक्टर भी नहीं बनेंगे इसमें किसी भी तरह से। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, हम फंस गए यहाँ पे, हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं हमारे पास। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में एक्स टेंड इज इक्वल टू एक्स को क्या मानेंगे माइनस पाई बाई सिक्स माइनस एच, या माइनस है तो माइनस एच, एज एक्स की लिमिट क्या होगी यहाँ पे माइनस का पाई बाई सिक्स, एच की लिमिट क्या होगी जीरो प्लस। ध्यान रखना कैसे, देखो यहाँ रखो ना माइनस पाई बाई सिक्स से छोटी रकम रखेंगे, ये इधर आएगा तो क्या हुआ प्लस का हो जाएगा, तो पाई बाई सिक्स में पाई बाई सिक्स से छोटी संख्या कटेंगे तो क्या हुआ पॉजिटिव तो आएगा, देख लेना आप ये आराम से कर लोगे। ठीक है, तो करते स्टार्ट, करो स्टार्ट। देखो तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस कर दो या जीरो कर दो एक ही बात है, रूट थ्री साइन जहाँ पर एक्स है वहाँ पर मैंने क्या करा ये रख दिया, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर ये रख देंगे। ठीक है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर मैंने माइनस पाई बाई सिक्स माइनस एच रख दिया, आके यहाँ पर क्या है पाई बाई सिक्स है। ठीक है, ये इस कट जाएगा, अब ऊपर वाला देखो क्या बचेगा, रूट थ्री तो यहाँ का। ठीक है, इसमें से हम जब माइनस कॉमन लोगे, चलो एक स्टेप बढ़ गया कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, माइनस कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे फिर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन निकाल देंगे, हेलो देखा हुआ माइनस एच बचेगा। ठीक है, अब बताओ मुझे साइन का एंगल अगर नेगेटिव आए तो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है ये तो आपने पढ़ रखा है, तो माइनस का साइन ऑफ एंगल आ जाएगा पाई बाई सिक्स प्लस एच, कोस का एंगल नेगेटिव आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो पॉजिटिव होगा, पता लगे ना आपको। देखो साइन माइनस एक्स निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है साइन का एंगल नेगेटिव ले रहा हूँ मैं, तो माइनस साइन एक्स क्यों होगा उसका मतलब समझ लो, क्या मैं इस माइनस एक्स का जीरो लगा दूँ, जीरो लगा दूँगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो माइनस एक्स इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकता हूँ जीरो माइनस एक्स, जीरो यहाँ होता है इसमें से घटाओगे तो क्या होगा चेंज होगा, नो चेंज, इस लाइन पे चेंज नहीं होता, साइन तो साइन रहेगा साइन एक्स आएगा, लेकिन फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन एक्स आएगा, क्या आएगा माइनस साइन एक्स, तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स, कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा प्लस कोस एक्स, क्योंकि कोस फोर्थ में क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए मैंने ये साइन का एंगल नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव कर दिया, ये कोस का एंगल नेगेटिव तो ये क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि कोस फोर्थ में पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने ऐसे किया, समझ गए ना, ये क्या है माइनस का एच। अब क्या करेंगे इसको सिंपलीफाई कर देंगे, लो अब क्या करना है इसको सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है, तो कर दो सिंपलीफाई कर लो, अब हो जाएगा इजीली रूट थ्री। ठीक है, लगाओ फार्मूला साइन ए प्लस बी का, लगा दो फार्मूला साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ए की जगह पाई बाई सिक्स बी की जगह एच रख दिया मैंने, इसमें लगाओ कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। ठीक है, ये लो आपको क्या होगा एच माइनस एच, साइन पाई बाई सिक्स क्या होता है वन बाई टू इंटू में कोस एच, ये क्या होता है रूट थ्री बाई टू, साइन कोस पाई बाई सिक्स का रूट थ्री बाई टू होता है इंटू में साइन एच, ये क्या होता है रूट थ्री बाई टू इंटू में कोस एच, ये क्या होता है वन बाई टू इंटू में साइन एच। ठीक है, माइनस एच कर दो मल्टीप्लाई, ये क्या बताया यहाँ पे माइनस का थ्री बाई टू इंटू में साइन एच, हाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, यह क्या रूट थ्री बाई टू इंटू में कोस एच अपन में माइनस, ये और ये कट जाएगा, क्या बच गया बताओ, इन दोनों को ऐड कर देंगे
माइनस थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू क्या होगा, माइनस का टू हो जाएगा, कट जाएगा ये क्या हो जाएगा वन, और लिमिट जीरो है तो क्या हो गया टू आएगा, आ गया टू। ठीक है, लेफ्ट लिमिट कितनी आई टू, और फंक्शन की वैल्यू माइनस फाइव सिक्स में कितना है के है, फंक्शन क्या याद रखा हमें कंटिन्यूस, तो के लिए क्या होगी टू हो जाएगी, है ना। कर दो नहीं बात लिखना, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई सिक्स, तो क्या होगा के की वैल्यू क्या होगी टू हो जाएगी, टू आएगी टू, दिस इज द आंसर ये लो। ठीक है, टू क्यों पता लगे ना आपको, ये बात यहाँ पे लिख देना ये लो। तो यूँ करके ना, और ये पूरा सेवनटीन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप ये करना अच्छे से, एक और बताता हूँ लास्ट एटीन क्वेश्चन रख लो। ठीक है, आज के वीडियो में इतने करेंगे, बाकी कल करेंगे फिर। थर्टीन फोर्टीन नंबर का पेज मिलेगा आपको, चौदह नंबर का पेज, अब करते हैं आगे देखो। अट्ठारह सिंपल है ना, एटीन में क्या करते देखो, एक हमें फंक्शन रखा है, फंक्शन क्या था, फंक्शन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वन इंटू मैक्स। ठीक है, कब है, जब एक्स की वैल्यू ये होगी तो, अच्छा ट्वाइस ऑफ ई की पावर साइन ऑफ बी एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स, ये कब है, जब एक्स इज मोर देन जीरो है तो, अच्छा बीच में टू रह गया था, चलो टू में यहाँ लिखता हूँ, टू कब है, जब एक्स बराबर जीरो तो। ठीक है, ये तीन तरह से फंक्शन को डिफाइन करके दे रखा है हमें, क्या कहता है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है ये जीरो के ऊपर, कंटिन्यूस दे रखा है फंक्शन, दे रखा है जीरो पर कंटिन्यूस, क्या करना है हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो करें स्टार्ट। एट जीरो पे लेफ्ट लिमिट निकालते हैं, निकालो लेफ्ट लिमिट जीरो माइनस, ठीक है जरा जीरो से कम हो तो फंक्शन क्या लोगे यहाँ पे, एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वन इंटू मैक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, अब देखो सिंपलीफाई करो, ऊपर से मैक्स कॉमन निकाल दूँ, निकाल दो बेटा, यहाँ क्या होगा वन, यहाँ तो साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा क्योंकि ऊपर तो एक्स था ही नहीं, अच्छा नीचे देखो, नीचे ए प्लस वन इंटू मैक्स है, लिमिट जीरो है ना, तो साइन का जो एंगल है वो एंगल नीचे बना लो, तो क्या करेंगे, ये था एंगल ए प्लस वन इंटू एक्स, तो इसी से मल्टीप्लाई और इसी से मैंने डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये क्या होता है वन, तो लिमिट जीरो है, अच्छा एक्स से एक्स कट जाएगा, तो क्या होगा वन प्लस साइन एक्स अपन एक्स क्या होगा वन, ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, वन इंटू ए प्लस वन, तो क्या होगा ए प्लस वन आ गए, तो टू अपॉन ए प्लस वन आ जाएगा, क्या आएगा टू अपॉन ए प्लस वन, लेफ्ट लिमिट आ गई। अब देखो राइट लिमिट, राइट लिमिट क्या है, एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो से ज़्यादा हो तो फंक्शन क्या होगा, ए की पावर टू साइन ऑफ पी एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स, ये सॉल्व कर दो इसको। ठीक है, लिमिट जीरो है तो जब लिमिट जीरो तो क्या होगा बताओ, ए की पावर क्या है यहाँ पे, साइन बी एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स था ना, तो जो ए की पावर है वो ही नीचे कर देंगे, साइन बी एक्स से गुणा और साइन बी एक्स से भाग कर देंगे, तो बेटे ये क्या बन गया, ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाला लग गया फॉर्मूला, तो हो जाएगा वन, तो क्या हो जाएगा वन बन जाएगा वन, हाँ ये, और बाकी क्या बच गया, साइन बी एक्स अपॉन ये वाला बी एक्स बच गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो वन हो गया, लिमिट जीरो है तो ये भी वन हो गया, तो टू इंटू वन क्या होगा टू आ गया, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट आ गई। अब लिखना बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जीरो पे सब बराबर होंगे, है ना। तो देखो लेफ्ट लिमिट कितनी आई है टू अपॉन ए प्लस वन, राइट लिमिट कितनी आई है टू, और जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है टू है। ठीक है, ओके बराबर, तो इन दोनों को कर लें इक्वल, तो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ टू अपॉन ए प्लस वन इज इक्वल टू टू आएगा। ठीक है, तो क्या होगा टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया वन से टू से टू कर देगा, ए प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो ए के लिए क्या होगा जीरो आएगा, लो आ गया ए जीरो। ठीक है, अब बी के निकालते हैं, अब देख रहे हो बी इसमें था ना इसमें, और बी यहाँ से देखो ख़त्म भी हो गया, बी क्या यहाँ पे ख़त्म भी हो गया, तो राइट साइड में कहीं बी बचा ही नहीं, तो इसमें बी की वैल्यू अगर आप कुछ भी रख दोगे यहाँ पे, कोई भी रियल नंबर रख दोगे, तो क्या होगा ये
ये तो हमेशा ख़त्म होता जाएगा। तो यहाँ पे से बी के लिए कुछ रख दो, ये क्या होगा, ये तो जीरो, ये तो वन ही आएगा क्योंकि लिमिट जीरो है और साइन का जो एंगल है वो एंगल बटे में, तो क्या होगा ये वन आएगा। तो इसको मतलब क्या होगा, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो बी क्या होगा एन रियल नंबर, बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ए के लिए जीरो, बी की वैल्यू रियल नंबर, यही हमें निकालना था, ए और बी की वैल्यू निकालने थे। ठीक है, तो इसके साथ ही तुम्हारा 18th क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है, अच्छा चलो 19th और करा देता हूँ। 19th और 20th, इन दोनों में से एक बता देता हूँ। ठीक है, दोनों एक जैसे, दोनों में मॉडल्स लगा हुआ, तो 20th करा देते हैं। 20वां क्या फंक्शन, क्या बताओ, मॉडल्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये कब है, जब एक्स की वैल्यू वन ना हो तो। ठीक है, और टू कब है, जब एक्स की वैल्यू वन हो तो। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू वन पे क्या रखा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी, मतलब हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, मतलब वन पे चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो कर देंगे स्टार्ट। देखो कैसे, वन के ऊपर लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, देखो वन के ऊपर तो फंक्शन टू है, तो जब वन पे फंक्शन टू है तो इसमें क्या हो गया, वन के ऊपर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी टू टू के इक्वल होंगे, तभी फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा। तो लेफ्ट लिमिट निकाल के देखते हैं, निकालो बेटा लेफ्ट लिमिट क्या होगा, एक्स टेंस टू वन माइनस, फंक्शन क्या होगा, यही तो होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसमें क्या आ गया, मॉडुलस आ गया। मैंने क्या कहा था, जब किसी क्वेश्चन में मॉडुलस आ जाए तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन सोल्व करना है उसको, है ना। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करना, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एच, देखो यहाँ पे एज एक्स की लिमिट तो वन है, माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, जीरो प्लस। ये तो ये स्टेप क्यों करते हैं, लिमिट को चेंज करने के लिए, लिमिट को एक्स को की लिमिट एच में चेंज करी हमने, तो एच की लिमिट तो यही हो जाएगी, जहाँ एक्स वहाँ क्या रखेंगे, वन माइनस एच। ठीक है, कर दो स्टार्ट ये। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस वन, कट जाएगा माइनस एच का, ये भी कट जाएगा, दोनों में से एच कॉमन निकाल देंगे, तो एच माइनस टू और ये इसका मॉडुलस आ जाएगा, कट जाएगा ये क्या बताओ, यहाँ पे यहाँ रखेंगे जीरो, तो जीरो माइनस टू का मॉडुलस अपॉन माइनस वन, क्या होगा ये टू, टू का मॉडुलस क्या आएगा, टू आएगा ना, टू अपॉन माइनस वन क्या होगा, माइनस का टू आएगा। देखो इसके लिए कितनी आई, माइनस टू आ गई, है ना, जब ये माइनस टू आ गया, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, वन के ऊपर टू दे रखी है, तो लेफ्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं आ रही, ये समझ में आया ना माइनस टू क्यों आया। तो यहाँ क्या लिखना, ए यहाँ लिखना, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वन, दोनों इक्वल नहीं है, सो क्या लिखो, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर। ठीक है बेटा, तो ये करना था, मेरी कंटिन्यूटी चेक करना थी। तो ये हो गया आपका 20वां क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें 21 से लेकर 25 चार क्वेश्चन और बच गए, इन सब में मॉडुलस लगा हुआ है, तो ये अगले एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतने करो।